नमस्कार, आप देख रहे हैं नादी टीवी और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता दें भोपाल से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर, जहां यूक्रेन में फंसी गंज बासोदा की यात्रा। तो सृष्टि सोनी यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। रूस यूक्रेन संघर्ष के चलते तनाव का माहौल है। सृष्टि सोनी ने अपील की है, यूक्रेन से निकालने की अपील की है। यूक्रेन में फंसी गंज बासोदा की छात्रा सृष्टि सोनी यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रही है और रूस यूक्रेन संघर्ष के चलते तनाव का माहौल बना हुआ है। सृष्टि सोनी ने अपील की है। तो आपको बता दें, लंबे तनाव के बाद रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया है। रूसी सैनिक यूक्रेन की राजधानी कीव तक पहुंच चुके हैं और कई ऐसे भारतीय छात्र हैं जो पढ़ाई के लिए यूक्रेन में हैं और अभी भी वहां फंसे हुए हैं। विदिशा जिले के गंज बासोदा की छात्रा सृष्टि सोनी, जो कि यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी और संघर्ष के चलते तनाव का माहौल बना हुआ है, सृष्टि सोनी ने अपील की है सरकार से, यूक्रेन से निकालने की भारत सरकार से अपील की है। तो कई ऐसे भारतीय छात्र हैं जो कि यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई सहित अन्य पढ़ाई के लिए वहां पर मौजूद हैं और अभी भी जिस तरह से रूस यूक्रेन पर संघर्ष चल रहा है, लगातार तनाव का माहौल बना हुआ है। विदिशा जिले के गंज बासोदा की एक छात्रा सृष्टि सोनी भी वहां पर मौजूद हैं और लगातार सरकार से यही अपील कर रही हैं कि उन्हें यूक्रेन से निकाला जाए। और हमारे संवाददाता अनिल शर्मा ने सृष्टि सोनी की माँ से बात की है, वहाँ के हालातों को लेकर और साथ ही साथ क्या कुछ उन्होंने अभी तक अपील की है, चलिए आपको सुनवाते हैं। मैं अनिल शर्मा, अनादि टीवी, गंजवासुदा से। अभी हम सृष्टि सोनी जी के घर पर हैं। सृष्टि सोनी जो कि यूक्रेन में फंसी हुई हैं, भारतीय छात्रा हैं जो कि वहाँ पर डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही हैं। उनके परिवार के सदस्य, उनके पिताजी और माताजी मेरे साथ हैं। अभी हम उनसे पूछते हैं इस बारे में, उनकी बेटी से कितनी बार बात हुई है, उनकी बेटी इस समय कैसी है। नमस्कार, आपकी बेटी यूक्रेन में फंसी हुई है? जी सर। लगभग कब से वो वहाँ पर रह रही है? उसको सर चार साल हो गया यूक्रेन में, MBBS की स्टडी वो कर रही है वहाँ पर, और आज से वो जो अभी स्थिति बनी है वहाँ तनाव की, उससे वो काफ़ी घबरा गई है और बहुत पैनिक हो रही है और सरकार से मदद की गुहार लगा रही है लगातार कि हमें किसी प्रकार से सुरक्षित अपने देश को पहुंचाया जाए। सृष्टि से आपकी अभी कितनी बार बात हुई? सृष्टि से मेरी लगभग आज सुबह से 20 से 25 बार बात हुई है, लगातार उससे मैं संपर्क में हूं और बातचीत मेरी चल रही है उससे। जैसा कि अभी सृष्टि की मम्मी बता रही थी कि वहाँ पर जो बम गिरे हैं उसके बाद सृष्टि की नींद खुली है, थोड़ा उसके बारे में। हाँ, बच्ची से जब मेरी रात को बात हुई, तब बच्ची की फ़्लाइट 5 तारीख की थी तो सब कुछ ठीक था, लेकिन सुबह जब आज बच्ची का 6 बजे के आसपास फ़ोन आया तो बच्ची एकदम घबराई और रोती हुई आवाज़ में मुझसे बात करी। मैंने कि बेटा क्या हुआ, तो बोली कि पापा अचानक इतनी तेज़ आवाज़ है ये यहाँ पे, जिससे हमारी नींद खुल गई और सारे बच्चों में भगदड़ सी मच गई और माहौल एकदम पैनिक सा हो गया। तो बच्चे वहाँ डर के माहौल में इस समय अपना समय निकाल रहे हैं,
भारत की एमबीसी से बच्चे लगातार संपर्क में हैं, उनके फेसबुक पेज पे जो एडवाइजरी नई नई जारी हो रही है वो बच्चे उसको फॉलो कर रहे हैं। बच्चों से बोला है कि अपना सामान रख कर और अपना पासपोर्ट वीज़ा रख कर आप तैयार रहें, किसी भी समय आपको यहाँ से सुरक्षित स्थान पर निकाला जाएगा। ये सुबह की घटनाक्रम है, उसके बाद अभी तक किसी प्रकार की कोई और नई सूचना नहीं प्राप्त हुई। मध्य प्रदेश के मंत्री प्रभुराम चौधरी जी, उन्होंने ट्वीट किया है जी, उनसे कोई आपकी कोई बात हुई पाई हो पाई है? मेरी अभी तक किसी से किसी प्रकार की कोई बात नहीं हो पाई है। विदिशा जिला कलेक्ट्रेट एसपी किसी से आपकी बात? नहीं, मेरी अभी किसी से बात नहीं हुई है, सिर्फ मेरे बासोदा देहात थाने में बात हुई है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम भारत सरकार मध्य प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है और वो आपके जो बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित लेकर आएंगे, ये उन्होंने आश्वासन दिया है। कैसी हैं अभी आप वहाँ पे? मैं ठीक हूँ, बस यहाँ पे कंडीशन सिचुएशन बहुत ही ज्यादा बिगड़ती जा रही है, क्योंकि लगातार स्टूडेंट्स को कंटिन्यूसली बॉम्ब शेलिंग की आवाज आती जा रही है, कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है और हम लोगों को भी बहुत डर लग रहा है, और मेरे भी और मेरे साथ बाकी सारे स्टूडेंट्स जो है उन सबके पेरेंट्स बहुत ज्यादा वरीड है, क्योंकि सबको बस यही चिंता है कि हमारे बच्चे सुरक्षित भारत लौट जाए। अभी आप अनादि टीवी, अभी आप अनादि टीवी के स्क्रीन पे हैं, भारत सरकार से आप क्या गुजारिश करना चाहते हैं? मेरी भारत सरकार से बस यही गुजारिश है कि हमको जल्द से जल्द यहाँ से सुरक्षित भारत पहुँचाया जाए, कैसे भी करके कोई भी रूट निकाले, बस हमको यहाँ से निकाल दिया जाए। अभी मम्मी ने घर पे बताया आपके बारे में कि रात में जब बम शेलिंग हुई है वहाँ पे तो उससे आपकी नींद खुली थी, तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगी? जी, रात में कुछ थोड़ा आवाज आ रही थी, तो पहले तो मुझे लगा कि हो सकता है कि ऊपर के फ्लोर से कुछ आवाज आ रही हो, लेकिन बाद में फिर जब और भी स्टूडेंट्स से कंफर्म हुआ कि नहीं यहाँ पर कुछ हुआ है, फिर वीडियोस वगैरह से कंफर्म हुआ कि यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है कोई बहुत सी जगहों पर, तो तब से बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन हो गई, क्योंकि अभी तक कंडीशन थी ऐसी लेकिन इतना नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा, और मैं ओडिशा में हूँ तो ओडिशा में ऐसा था कि सेफ प्लेस है ये। अभी लगभग कितने आपके हिसाब से भारत के जो स्टूडेंट वहाँ फंसे होंगे? पूरे यूक्रेन में तो लगभग 18,000 स्टूडेंट हैं। आप कितने वर्ष से वहाँ पे हैं? मुझे 4 साल हो गए, मैं फोर्थ ईयर में हूँ, फोर्थ ईयर के सेकंड सेमेस्टर। तो देखा आपने कि किस तरह से माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। अनादि टीवी से सीधी बातचीत की है सृष्टि सोनी ने, वीडियो कॉल के जरिए हमारे संवाददाता ने उनसे जानने का प्रयास किया कि क्या कुछ हालात वहां पर बने हुए हैं और उनके वापस लौटने को लेकर जिस तरह से उनके माँ बाप भी चिंतित हैं और लगातार सरकार से भी यही अपील कर रहे हैं कि उनकी बच्ची को जल्द से जल्द उनसे मिलाया जा सके। हमारे संवाददाता अनिल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनसे और अधिक जानेंगे, विस्तार से जानकारी लेंगे। अनिल, आप सृष्टि के माँ बाप से मिले, साथ ही साथ आपने यूक्रेन में मौजूद सृष्टि से वीडियो कॉल पे सीधी बातचीत की है, क्या कुछ आप आंख पा रहे हैं, कितना चिंतित माँ बाप नजर आ रहे हैं? देखिए मैम, सृष्टि का जो परिवार है बहुत ही छोटा छोटे मतलब मिडिल क्लास फैमिली से ये लोग आते हैं, और उनका परिवार बहुत डरा हुआ है। उनका कहना है कि उनकी बच्ची से वो लगातार संपर्क में है, लगातार उससे बात कर रहे हैं, उसको समझाश दे रहे हैं, बोलते हैं कि वो खाना भी नहीं खा रही है। पिछले 2 दिन से डर का बड़ा माहौल था और युद्ध की विभीषिका वहाँ चालू हो गई है, लगातार बमबारिंग हो रही है। सृष्टि ने भी हमको एक वीडियो डाला है, उसने बताया है कि वहाँ पे उसके जहाँ वो रुकी हुई है उसके पास ही वो बम गिरा है, उसको गिरने से उसकी नींद खुली थी, उसके बाद वो लगातार, उनका परिवार भी बहुत भयभीत है, उनकी माँ का बड़ा रो रो के बड़ा बुरा हाल है, बस वो एक ही मांग कर रही है हर बार कि सरकार कैसे भी करके उनकी बच्ची और भारत की जितने भी बच्चे वहाँ फंसे हुए सभी को वापस लाए। जी बिल्कुल अनिल, देखिए जिस तरह से हम भी देख रहे हैं कि माँ बाप पूरे प्रदेश के, पूरे देश में जितने भी बच्चे देश के वहाँ पर यूक्रेन पर मौजूद है, सभी माँ बाप चिंतित हैं और यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनके बच्चे भारत लौटकर वापस आएं। जिनसे आपने बातचीत की सृष्टि के माँ बाप से, क्या उन्होंने अभी तक सरकार से अपील की है? जैसा कि हमने सुना कि उन्होंने देहात थाने में जाकर अपील की है, क्या कोई मंत्री नेता से या सरकार से किसी तरह की बातचीत हो पाई हो? देखिए मैम, जब उनसे उनके माँ बाप से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि गंजबासुदा शहर के देहात थाना में उन्होंने पुलिस में कोई आवेदन दिया है और पुलिस विभाग से भी उनको ये मिला है कि सरकार लगातार इसमें प्रयास कर रही है उनके बच्चों को वापस लाने का। दूसरा ये है कि यहाँ पर जो लोकल स्तर के जो नेता हैं, समाज सेवी हैं, सभी लोग अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं सरकार के ये बात पहुँचाने सरकार तक कि जल्दी जल्दी उनकी बच्ची को वापस लाया जाए। अभी सरकार के वैसे उनके परिवार का कोई ऑफिशियली बात नहीं हो पाई है। जी
बिल्कुल अनिल, अगर बात करें आश्वासन देने की, क्या अभी तक फोन पर भी किसी नेता किसी मंत्री ने सृष्टि के माँ बाप से बात की हो, या फिर सृष्टि से जिस तरह से आपने भी वीडियो कॉल के जरिए वहाँ के हालात जानने की कोशिश की, सीधे तौर पर अनादि टीवी ने बातचीत की, ऐसे किसी भी तरफ से सरकार का रुख देखा गया हो या फिर एक आश्वासन दिया गया हो कि किस तारीख तक आपकी बच्ची वापस आ सकेगी? मध्य प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं प्रभुराम चौधरी जी, उन्होंने एक ट्वीट किया था, उसमें उन्होंने बताया है कि सरकार अपने स्तर पर लगातार प्रयास कर रही है ताकि इन बच्चों को जल्दी से जल्द वापस लाया जा सके। जी बिल्कुल अनिल, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। हमारे साथ सृष्टि के पिताजी मनीष कुमार सोनी जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मनीष जी, आपकी बेटी यूक्रेन में मौजूद है, देखिए बेहद ही तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, हमारे संवाददाता ने वीडियो कॉल के जरिए बातचीत भी की है, आपकी आखिरी बार कब बातचीत हुई है? मैडम मेरी बातचीत अब उससे सतत हो रही है कंटिन्यू जी। हाँ अभी भी मेरी आधे घंटे पहले बात हुई है उससे। जी मनीष जी, जानना चाहेंगे किस तरह का माहौल बना हुआ है, देखिए पल पल में स्थितियां बदल रही हैं, बेहद चिंताजनक तो है, लेकिन ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप भी धैर्य रखें, सरकार से भी लगातार यही अपील की जा रही है कि जल्द से जल्द वहां मौजूद भारतीय छात्रों को अपने देश वापस लौटाया जाए, क्या कुछ स्थिति अभी वहां की आप देख पा रहे हैं अपनी बच्चे से, क्योंकि लगातार आप संपर्क में बने हुए हैं? मैडम स्थिति तो अभी तनावपूर्ण है क्योंकि बच्चे भी वहाँ डरे हुए हैं और अभी उनको किसी प्रकार कोई सहायता मुहिम नहीं कराई गई है। कोई अभी तक आश्वासन दिया गया है कि कब तक बच्चों को वापस बुलाया जाएगा अपने देश, कब तक आपकी बच्चे से आपको मिलाया जाएगा? आश्वासन तो दिया मैडम ने, उनका कोई समय निर्धारित नहीं करा है, उनको बार बार एमबीसी द्वारा फेसबुक पेज पे एडवाइजरी जारी की जा रही है कि आपको अपना सामान को पैक कर लें, अपने डॉक्यूमेंट्स अपने हाथ में रख लें, आपको सुरक्षित स्थान पर यहाँ से ले जाया जाएगा, लेकिन उनका कोई ऑफिस का कन्वेंशन चल रहा है इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे ही वो ऑफिस का कन्वेंशन पूर्ण हो जाएगा जब आपको यहाँ से पोलैंड के लिए रवाना किया जाएगा, ऐसा बताया गया है। जी बिल्कुल मनीष जी, हम भी देखिए यही उम्मीद करते हैं कि हमारे माध्यम से अनादि टीवी के माध्यम से सरकार तक आपकी बात पहुंचे और जल्द से जल्द आपकी बच्ची को वापस लौटाया जा सके। अगर बात करें देखिए व्यवस्थाओं की, कई तरह की मुश्किलों का सामना आपकी बेटी को करना पड़ रहा होगा, इंतजार तो है ही कि जल्द से जल्द वो अपने देश लौटे, अपने माँ बाप से मिले, अपने शहर पर वापस लौटे, लेकिन और किस तरह की परेशानियाँ आ रही हैं? ठीक है, हमारे संवाददाता अनिल शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनिल, आप काफी समय तक उनके माँ बाप के साथ मौजूद थे, साथ ही साथ वीडियो कॉल पे भी आपने सीधे बातचीत की है, किस तरह की परेशानियां वहां देखी जा रही है छात्रों को, क्योंकि लगातार देखिए रुके हुए हैं, कई जरूरतें होती हैं, तो क्या कुछ परेशानियां सामने आ रही है? बताया कि वहां पर जैसे कि मान लीजिए किसी पैसे की या मनी की उनको जरूरत होती है तो वहां पर जो कम्युनिकेशन है ये ऑनलाइन जो होता है वो सब ट्रेड बंद हो गया है, तो ये प्रॉब्लम भी उनके लिए, खाना की व्यवस्थाओं से भी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि खाने की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो वहाँ पे पूरी तरह से है नहीं है, बच्चे डरे हुए हैं क्योंकि बमबारिंग होती है, उनको डर ही रहता है बाहर निकले तो कहीं इस काम से खार ना हो जाए, तो इस तरीके से वो लोग बहुत परेशान हैं। और उनके घर के लोगों से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने भी यही बात दोहराई कि हमारे बच्चे वहाँ पे काफी परेशान हैं। जी बिल्कुल अनिल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। तो गंज पासोदा की बेटी हैं सृष्टि सोनी, जो कि यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई के लिए हैं, और जिस तरह से हम देख रहे हैं तनावपूर्ण स्थिति यूक्रेन में बनी हुई है रूस के हमले के बाद से, गंज बासोदा की एक छात्रा जिन्होंने सरकार से अपील की, साथ ही साथ उनके माँ बाप की भी लगातार यही अपील है कि जल्द से जल्द उन्हें अपने देश अपने भारत वापस बुलाया जाए। तो लगातार देखिए रूस और यूक्रेन के बीच में संघर्ष के चलते तनाव का माहौल बना हुआ है और ऐसे कई भारतीय छात्र हैं जो वहाँ मौजूद हैं।